फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉल्यूशन के कारण क्या होता है? पॉल्यूशन का असर हमारे फेस पे पड़ता है, हमारी स्किन में पड़ता है और स्किन बेजान सी नज़र आने लगती है। तो ऐसे में स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना ज़रूरी है। हालांकि जो घर में जो होममेड रेमेडीज होती है वही बेस्ट होती है, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि मुल्तानी मिट्टी की हेल्प से चेहरे पे ग्लो कैसे लाएं और जो गंदगी है चेहरे की वो भी साफ़ होती है इससे, और एक्स्ट्रा ऑयल को हटाने में भी ये हेल्पफुल होते हैं। मुल्तानी मिट्टी जो होती है, इसके अलावा जो पिंपल्स होते हैं या दाग धब्बे होते हैं या फिर टैनिंग होती है, उसको रिमूव करने का भी काम करती है, और इससे चेहरे सॉफ्ट भी बनता है और चमकदार भी बनता है। तो आइए जानते हैं मुल्तानी मिट्टी की हेल्प से फेस पैक कैसे तैयार करना है। हाँ, बट आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक कर दें, सो डेट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और हाँ, कमेंट्स में अपने सुझाव देना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिम्पल्स है या फिर उसके दाग धब्बे हैं, पिंपल्स के दाग हो गए हैं, तो दाग बेदाग स्किन के लिए मुल्तानी मिट्टी में नींबू का रस मिला करके फेस पैक तैयार करें। जैसे आपको मुल्तानी मिट्टी लेना है, 2 चम्मच अगर ले रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिला दें और एक पानी की हेल्प से एक पेस्ट तैयार कर लें, एंड देन इस पेस्ट को 15 मिनट तक के लिए फेस पे अप्लाई करें। तो इससे चेहरे पे चमक आता है और अगर कुछ दाग धब्बे हैं तो वो भी चले जाते हैं, और चेहरे जो होता है वो अंदर से साफ होता है, अंदर की गंदगी भी रिमूव होती है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे कुछ नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।